निम्बल न्यूज, द ट्रुथ अनफोल्ड। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का हमारे निम्बल न्यूज चैनल पर। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, और मेरी दुआ है आपके लिए आप हमेशा इसी तरीके से तंदुरुस्त रहें और बीमारियों से बचे रहें। आज खबर सुनने से पहले आप देखिए कुछ तस्वीरें। ये तस्वीरें हैं चेन्नई में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के बाहर की। जैसे कि आप जानते हैं अभी कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और ये लहर बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन अभी तक रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी किल्लत पाई जा रही है। तमिलनाडु में चेन्नई में स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के बाहर भीड़ उस वक्त नियंत्रण से बाहर हो गई जब वो रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने के लिए आए हुए थे। यहाँ तक कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना भी भूल गए और कोरोना के हर नियम की वहाँ पर धज्जियाँ उड़ी। आपको बता दें कि 15 मई को एक रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु के मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन ने एक नोटिस जारी किया था जिसमें ये बताया गया था कि चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रोज़ रेमडेसिविर बेची जाएंगी और रोज़ सिर्फ 300 टोकन ही रेमडेसिविर के लिए मिलेंगे। जिन लोगों के पास टोकन होंगे सिर्फ उन लोगों को ही रेमडेसिविर दवाई दी जाएगी। एक महिला के मुताबिक जो कि रेमडेसिविर लेने के लिए गई हुई थी, उन्होंने बताया कि मेरे पूरा का पूरा परिवार कोरोना से पीड़ित है और उनका इलाज चल रहा है। मैं पिछले 10 दिनों से दवाइयों के लिए इधर उधर धक्के खा रही हूँ, लेकिन मेरे को रेमडेसिविर नहीं मिल पा रही। सरकार ने बेशक बेड्स के लिए सुविधाएं प्रदान की हैं, लेकिन रेमडेसिविर के बारे में कोई चिंता उन्हें नहीं है। इसी को लेकर आपको बता दें कि विभाग की तरफ से ये नोटिस भी दिया गया था, ये जानकारी भी दी गई थी कि गेट नंबर 5 से रेमडेसिविर लेने वालों की एंट्री होगी और उनका एग्जिट होगा गेट नंबर 4 से। और ये अपील की गई थी कि सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करेंगे और कोरोना के हर नियम का पालन करेंगे, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई वहाँ पर और भीड़ नियंत्रण से जब बाहर हो गई तो हर नियम के परखच्चे उड़ गए। आपको बता दें इससे पहले 14 मई को राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा था कि भीड़भाड़ ज़्यादा होने की वजह से सिर्फ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ही वैक्सीन बांटी जाएंगी और बेची जाएंगी, जिसके बाद से लोगों ने रोड रोको प्रदर्शन का भी ऐलान किया था और प्रबंधन के खिलाफ शिकायत भी की थी। आपको बता दें कि चेन्नई के मुख्यमंत्री ने 20,000 रेमडेसिविर की केंद्र सरकार से मांग की है, जबकि केंद्र सरकार हर राज्य को रोजाना 7,000 रेमडेसिविर आवंटित कर रहे हैं। चेन्नई के मुख्यमंत्री का कहना है कि यहाँ पर डिमांड ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा रेमडेसिविर की मांग की है। एक तरफ जब हालात ये हैं कि लोग परेशान हैं, धक्के खा रहे हैं रेमडेसिविर दवाई लेने के लिए, वहीं दूसरी तरफ इससे जुड़े ठगी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। 13 मई को दिल्ली पुलिस ने एक विदेशी महिला को नकली रेमडेसिविर बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया। वो ऑनलाइन ठगी को अंजाम देती थी। इससे पहले भी जबलपुर में VHP चीफ के अस्पताल में कथित तौर से नकली रेमडेसिविर बेचने का मामला सामने आया और उसके लिए मामला तक दर्ज किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए निम्बल न्यूज़ के साथ। और जैसे कि आपको पता है अभी हमारे देश में कोरोना की वजह से बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ अपने घर में रहिएगा। घर से बाहर तभी निकलिए जब आपको बहुत सख्त काम हो, बहुत ज़रूरी काम हो, और हमेशा अपने मुँह पर मास्क लगा कर रखिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहिए और जब भी बाहर निकलें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। और अगर आप कोरोना से रिकवर कर गए हैं और प्लाज्मा डोनेट करने के लिए एलिजिबल हैं तो प्लीज़ प्लाज्मा ज़रूर डोनेट कीजिए और वक्त आने पर अपनी वैक्सीन की डोज भी ज़रूर लगवाइए। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।